टॉपिक है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन, जीवाणुभोजी संक्रमण। जीवाणुभोजी संक्रमण क्या है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। डीएनए ही अनुवंशिक पदार्थ है, इसे प्रमाणित करने के लिए बैक्टीरियोफेज में जनन क्रिया का अध्ययन करेंगे। इससे पिछली क्लास में पढ़े थे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन से स्पष्ट हुआ था कि डीएनए ही अनुवंशिक पदार्थ है न कि प्रोटीन। तो आज पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन। जीवाणुभोजी संक्रमण, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करके बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट करता है। बैक्टीरियल सेल में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है तथा इसके पश्चात बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होता है। बैक्टीरियल सेल डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। इस प्रकार बैक्टीरियोफेज की संरचना में टू पार्ट्स होते हैं, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट्स। पहला है हेड पार्ट, सेकंड है टेल पार्ट। हेड पार्ट प्रोटीन कोट वह डीएनए का बना होता है। हेड पार्ट प्रोटीन एंड डीएनए का बना होता है। सेकंड है टेल पार्ट, टेल पार्ट टेल कोट टेल सेथ टेल कोर एंड टेल फाइबर्स का टेल फाइबर्स से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार बैक्टीरियोफेज की संरचना है। बैक्टीरियोफेज की संरचना में मुख्यतया टू पार्ट्स होते हैं, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। ये हेड पार्ट है और ये टेल पार्ट है। तो हेड पार्ट प्रोटीन व डीएनए का बना होता है एंड टेल पार्ट टेल कोर टेल सेथ एंड टेल फाइबर से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज इंफेक्शन की बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज टेल फाइबर्स की सहायता से बैक्टीरियल सेल से चिपक जाता है। चिपकने के पश्चात हेड पार्ट में उपस्थित डीएनए बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या बैक्टीरियल सेल में डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के पश्चात डीएनए मल्टीप्लिकेशन क्रिया द्वारा नए डीएनए भोजी अणुओं का निर्माण करता है तथा और अत्यधिक डीएनए अणुओं का नए डीएनए भोजी अणुओं का निर्माण होता है। इसके पश्चात भोजी डीएनए अणु के ऊपर प्रोटीन आवरण संश्लेषित होता है। तो इसी क्रिया के पश्चात बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होता है, लयन हो जाता है, जिससे नए बनने वाले भोजी डीएनए अणु मुक्त हो जाते हैं। बैक्टीरियोफेज इस प्रकार बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरियल सेल को
इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरियल सेल से बैक्टीरियल सेल से टेल फाइबर्स की सहायता से टेल फाइबर्स की सहायता से चिपक जाता है। चिपकने के पश्चात हेड पार्ट में उपस्थित डीएनए बैक्टीरियल सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ट्रांसफर होने के पश्चात बैक्टीरियल सेल में मल्टीप्लिकेशन क्रिया द्वारा भोजी डीएनए अणु का संश्लेषण करता है। तथा इससे और अधिक नए भोजी डीएनए अणु का निर्माण होता है। इसके पश्चात बैक्टीरियल सेल का लाइसिस लाइन हो जाता है तथा नए बनने वाले भोजी डीएनए अणु मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार बैक्टीरियोफेज की संरचना में टू पार्ट्स होते हैं, हेड पार्ट्स एंड टेल पार्ट्स। हेड पार्ट्स डीएनए व प्रोटीन कोड का बना होता है एंड टेल पार्ट्स टेल फाइबर्स टेल कोड एंड टेल सेल एंड टेल कोर का बना होता है। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो टेल फाइबर्स की सहायता से बैक्टीरियल सेल से चिपक जाता है। टेल फाइबर्स की सहायता से चिपक जाता है। चिपकने के पश्चात हेड पार्ट में उपस्थित डीएनए बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर के पश्चात बैक्टीरियल सेल में मल्टीप्लिकेशन किया द्वारा भोजी डीएनए अणु का संश्लेषण करता है तथा इससे और अधिक नए भोजी डीएनए अणु का संश्लेषण या निर्माण होता है। इसके पश्चात बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होता है तथा नए बनने वाले भोजी डीएनए अणु मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है एडी हर्से तथा अमजे चेस ने अपने
एक्सपेरिमेंट्स में निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इन्होंने वायरस चीटू बोर्जी पर निष्कर्ष निकाला। इस क्रिया में संक्रमण करने वाले भोजी का डीएनए अणु ही या डीएनए अंश ही बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट करता है, वही आनुवंशिक सूचनाओं का वहन करता है तथा अपने समान नए भोजी डीएनए अणु का निर्माण या संश्लेषण करता है। हर्षे तथा चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में सर्वप्रथम रेडियो एक्टिव सल्फर व रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस युक्त माध्यम में उगाकर जीवाणु भोजी डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया, क्योंकि भोजी कणों की प्रोटीन में या भोजी कणों की प्रोटीन में फॉस्फोरस उपस्थित नहीं होता है, केवल डीएनए अंश में या डीएनए अणु में ही फॉस्फोरस उपस्थित होता है। इसलिए केवल डीएनए अणु को ही रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के द्वारा अंकित कर दिया गया तथा भोजी प्रोटीन में सल्फर उपस्थित होता है तो सल्फर भोजी प्रोटीन को रेडियो एक्टिव सल्फर के द्वारा अंकित कर दिया गया। हर्षे तथा चेस ने इसके पश्चात हर्षे तथा चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में रेडियो एक्टिव सल्फर व फॉस्फोरस माध्यम में उगाकर बैक्टीरियोफेज डीएनए को
रेडियो एक्टिव बना दिया गया। बना दिया गया क्योंकि भोजी कणों की प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है तथा केवल डीएनए अंश में ही P32 फॉस्फोरस पाया जाता है। इसलिए डीएनए को रेडियो एक्टिव P32 द्वारा अंकित कर दिया गया तथा भोजी प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। इसीलिए इसे रेडियो एक्टिव सल्फर द्वारा अंकित कर दिया गया। इसके पश्चात हर्षे तथा चेस ने इन भोजी कणों से अलग अलग बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करवाया। इसके पश्चात हर्षे एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में इन अंकित भोजी कणों से अलग अलग बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करवाया गया। इन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव P32 ही बैक्टीरियल सेल्स से संबद्ध था। न कि रेडियो एक्टिव सल्फर।
इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल डीएनए अणु ही बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट करता है एंड जो प्रोटीन होती है वो परपोषी कोशिका की या बैक्टीरियल सेल के चारों ओर पाई जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए अणु ही बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट करता है। बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट करता है न कि एंड प्रोटीन कोट या प्रोटीन सेथ, प्रोटीन आवरण, प्रोटीन सेथ होस्ट बैक्टीरियल सेल के बाहर उपस्थित रहती है तथा डीएनए बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट करने के बाद प्रविष्ट होने के बाद अपने समान नए भोजी डीएनए अणु का मॉलिक्यूल्स का संश्लेषण करता है। अतः इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकलता है कि और अधिक निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है न कि प्रोटीन। अतः डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। एडी हर्से एंड एमजे चेस ने वायरस टीटू भोजी पर अपने एक्सपेरिमेंट्स में से निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इस क्रिया में इन्फेक्ट करने वाले भोजी का डीएनए डीएनए अंश ही बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट करता है। वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वहन करता है, आनुवंशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तथा अपने समान नए डीएनए भोजी अणुओं का संश्लेषण करता है। इस बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट करता है, जिस बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट कर रहा है उस बैक्टीरियल सेल में अपने समान नए डीएनए भोजी अणुओं का संश्लेषण करता है। हर्से तथा चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले रेडियो एक्टिव सल्फर रेडियो एक्टिव फॉस्फरस युक्त माध्यम में उगाकर बैक्टीरियोफेज डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया, क्योंकि भोजी कणों की प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है तथा केवल डीएनए अंश में ही फॉस्फोरस पाया जाता है, इसलिए डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया। डीएनए को रेडियो एक्टिव द्वारा अंकित कर दिया गया तथा भोजी प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, इसलिए इसे रेडियोएक्टिव सल्फर बना दिया गया भोजी प्रोटीन को। इसके पश्चात
हर्षदा चेस ने अपने प्रयोग में एक्सपेरिमेंट्स में इन अंकित भोजिकणों को या भोजिकणों से अलग अलग बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करवाया गया तो इन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ही बैक्टीरियल सेल्स से संबद्ध था न कि रेडियो एक्टिव सल्फर। इससे निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए अणु ही बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट करता है तथा प्रोटीन सहित होस्ट परपोसी बैक्टीरियल सेल के बाहर उपस्थित रहती है तथा डीएनए बैक्टीरियल सेल में प्रविष्ट होने के बाद अपने समान नए भोजी डीएनए मॉलिक्यूल्स का संश्लेषण करता है। अतः इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है न कि प्रोटीन।